नमस्कार शिक्षार्थियों, आज अपैरल डिजाइनिंग कोर्स के अंतर्गत हम पैटर्न वर्गीकरण के बारे में बातचीत करेंगे, जिसे हम पैटर्न ग्रेडिंग भी कहते हैं। जब हम पैटर्न ग्रेडिंग की बात करते हैं, पैटर्न ग्रेडिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग किसी साइज चार्ट में दिए गए माप के अनुसार परिधान पैटर्न के आकार को बढ़ाने या कम करने के लिए किया जाता है। पैटर्न वर्गीकरण के द्वारा हम विभिन्न साइज के पैटर्न बना सकते हैं जो कि विभिन्न नाप पर निर्भर करते हैं। अब हम बात करेंगे पैटर्न वर्गीकरण के सिद्धांत की। पैटर्न वर्गीकरण के 5 सिद्धांत हैं, जिसमें पहला है पैटर्न और ग्रेड को विकसित करना, वर्गीकरण प्रणाली जिसे हम ग्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं, साइज पर्वतमाला साइज रेंजेस जिसे हम कहते हैं, साइज अंतराल जिसे हम साइज इंटरवल कहते हैं, और 5वां है साइज चार्ट। पैटर्न और ग्रेड को विकसित करना। फैशन की गतिशीलता के कारण वस्त्र में कई प्रकार की नई स्टाइल के निरंतर विकास की आवश्यकता होती है और प्रत्येक स्टाइल के लिए एक अलग पैटर्न की आवश्यकता होती है, जबकि स्टाइल और पैटर्न विविधताओं की संख्या सामान्य रूप से अंतहीन है। सभी पैटर्न का सिद्धांत एक समान है, जो यह है कि लगभग सभी प्रमुख घटक बुनियादी ब्लॉक पैटर्न से प्राप्त होते हैं, जिसका अर्थ है कि जो हमारा बेसिक ब्लॉक है पैटर्न का, उसका प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार के और विभिन्न स्टाइल के पैटर्न तैयार कर सकते हैं, और जो बेसिक पैटर्न में जो भी हमारे तत्व प्रेजेंट हैं वो सब उस पर डिपेंडेंट हैं। दूसरे शब्दों में एक परिधान पैटर्न और ब्लॉक पैटर्न के बीच सीधा संबंध है। ब्लॉक पैटर्न का उपयोग विभिन्न स्टाइल के परिधान के पैटर्न के विकास के लिए एक आधार के रूप में किया जाता है। यह संबंध परिधान पैटर्न की ग्रेडिंग पर भी लागू होता है। ब्लॉक पैटर्न के लिए वर्गीकरण नेटवर्क उन घटकों के लिए भी बुनियादी नेटवर्क है जिन्हें ब्लॉक पैटर्न से विकसित किया जाता है। परिधान के पैटर्न के वर्गीकरण में कई तकनीकें शामिल हैं, लेकिन सभी का सिद्धांत एक समान है, ये वजह है कि बेसिक ग्रेड और बेसिक पैटर्न हमारा जो है उसी पे हमारे और पैटर्न डेवलप किए जाते हैं। दूसरा सिद्धांत है वर्गीकरण प्रणाली, जिसे हम ग्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं। आज वस्त्र उद्योग दुनिया भर में बाजारों की आपूर्ति करता है और इसके परिणाम स्वरूप एक दृढ़ वर्गीकरण प्रणाली जो एक साइज चार्ट और एक साइज अंतराल के आसपास बनाया गया है, उसका बहुत सीमित मूल्य है। जैसा कि हमें तालिका से दिखाई पड़ रहा है कि अलग अलग देशों में अलग अलग साइज अंतराल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अमेरिका में समान साइज में जिसमें कि हमारा स्मॉल मीडियम लार्ज आएगा, उनके बीच जो साइज का अंतराल है वो 4 सेंटीमीटर का है, और बड़ा साइज जिसमें कि हमारा एक्सल डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल आएगा उसमें साइज अंतराल 5 सेंटीमीटर का है। और इंग्लैंड में भी जो समान साइज का अंतराल और बड़े साइज में जो अंतराल है वो 5 सेंटीमीटर का है। जर्मनी में जो समान साइज के बीच में जो पैटर्न आते हैं उन पैटर्न के बीच में साइज का अंतराल 4 सेंटीमीटर है, और बड़े साइज में जो जिसमें कि हमारा एक्सल डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल आएंगे उसमें 6 सेंटीमीटर का अंतराल है। वहीं पे फ्रांस में 4 सेंटीमीटर का अंतराल है समान साइज में, और बड़े साइज में जो अंतराल है वो है 4 सेंटीमीटर का। अब हम बात करते हैं साइज पर्वतमाला की। साइज पर्वतमाला जिसे हम साइज रेंजेस भी कहते हैं। साइज पर्वतमाला शब्द साइज चार्ट में सबसे छोटे और सबसे बड़े साइज के बीच प्रमुख परिधि माप में अंतर को संदर्भित करता है। जैसा कि हमें इस चार्ट में दिखाई पड़ रहा है कि हमारे जो साइज हैं समान और बड़ा साइज, उसमें जो हमारा साइज पैटर्न है वो ABCD का है, और उसमें जो हमारा छाती कमर और कूल्हे की जो नाप है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 5-5 सेंटीमीटर का है। लेकिन जो हमारा सबसे छोटा साइज है ए 80 सेंटीमीटर का, और वहीं पे जो सबसे बड़ा साइज जे है 125 सेंटीमीटर, जिसमें छाती है हमारी, उनके बीच जो अंतराल है वो 45 सेंटीमीटर का है। तो साइज अंतराल की जब बात करते हैं उसमें है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े के बीच में जो अंतराल है वो कितने का है। तो हम ये देख पाते हैं कि जो छाती कमर और कूल्हा है, जो बस्ट का वेस्ट का और हमारे हिप साइज में जो डिफरेंस है सबसे स्मॉल और लार्ज साइज के बीच में, वो 45 सेंटीमीटर का है। अब हम बात करते हैं साइज इंटरवल। साइज प्रणाली में पहले से निर्धारित साइज अंतराल, जैसे प्रत्येक साइज के प्रमुख परिधि माप में अंतर के अनुसार जनसंख्या का साइज समूह के अप्राकृतिक विभाजन किया जाता है। सुविधा के अलावा साइज अंतराल मुख्य रूप से परिधान माप सहिष्णुता के परिणाम में प्रभावित होता है।
उदाहरण के लिए, 1 सेंटीमीटर के साइज अंतराल को पैटर्न में मापना आसान है, लेकिन व्यवहारिक रूप से किसी परिधान में यह माप उसकी सटीकता के साथ मापना कठिन है। इसलिए हम मानते हैं कि साइज में भिन्नता की सीमा प्लस और माइनस 2 सेंटीमीटर के क्रम में से है, तब तार्किक साइज अंतराल 4 सेंटीमीटर होगा। व्यवहार में 4 सेंटीमीटर से छोटे अंतराल केवल एक ही श्रेणी के लिए अधिक साइज के उपयोग के परिणाम स्वरूप होंगे। अतः अभी हमने पहले भी देखा, जो हमारा डिफरेंस था वो मिनिमम 4 सेंटीमीटर का था, जिसका रीज़न है कि 1 सेंटीमीटर को हम माप नहीं सकते, जो व्यवहारिक रूप से पॉसिबल नहीं है किसी भी कपड़े में मापना। इसलिए 2 सेंटीमीटर, जिसको कि हम कम और ऊपर की ओर साइड ले सकते हैं, उसके आधार पर हमारा मिनिमम जो डिफरेंस होता है वो 4 सेंटीमीटर का होता है। अब हम बात करते हैं साइज चार्ट की। सामान्यतः उपयोग में 2 प्रकार के साइज चार्ट लाए जाते हैं। पहला है शरीर की माप के अनुसार। जब हम शरीर की माप की बात करते हैं, इस प्रकार का चार्ट प्रत्येक साइज को बनाने के लिए शरीर की माप प्रदान करता है और पैटर्न निर्माता इन मापों को आधार के रूप में उपयोग करता है, ताकि आसानी से अपेक्षित मात्रा में एक पैटर्न का निर्माण किया जा सके। दूसरा है परिधान माप। यह चार्ट प्रत्येक साइज के लिए तैयार माप विनिर्देश का विवरण देता है और प्रत्येक ग्रेडिंग और गुणवत्ता नियंत्रण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम इस तालिका में देख रहे हैं, जो हमारा साइज है ए बी सी डी, और उसमें वेस्ट, हिप और जो हमारी लेंथ है स्कर्ट की, वो हमारी 62 है, 66 है, 70 है। जो हमारा डिफरेंस है वो 4 सेंटीमीटर का है। अब हम बात करते हैं पैटर्न वर्गीकरण की विधियाँ। जो पैटर्न ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें कौन से मेथड का हम प्रयोग करते हैं पैटर्न्स को ग्रेड करने के लिए। नेस्ट और स्टैक वर्गीकरण विधि है, चिन्हित करना और काटना, और वेक्टर वर्गीकरण। जब हम नेस्ट और स्टैक वर्गीकरण की बात करते हैं, इसके अंतर्गत आधार पैटर्न का प्रयोग विभिन्न साइज के पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है, और आधार पैटर्न के वर्गीकरण द्वारा बनाए गए विभिन्न साइज के पैटर्न में प्रत्येक घटक की उत्पत्ति का स्थान आधार पैटर्न के समान होता है। जिसका अर्थ है कि जो हमारा आधार पैटर्न है उसी से हमारे छोटे या बड़े पैटर्न बनेंगे, और जो आधार पैटर्न में हमारे जो भी डिटेल्स हैं स्टाइल्स की या डांट्स की जो भी डिटेल हैं, वो हमारे डेवलप्ड पैटर्न में भी उपस्थित होंगी। चिन्हित करना और काटना, यह एक बहुत ही आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है, जिसके तहत एक समय में एक साइज का वर्गीकृत किया जाता है और फिर काट दिया जाता है। इस पद्धति के साथ काम करने का सामान्य तरीका, जिसमें आधार पैटर्न से एक साइज ऊपर या एक साइज नीचे ग्रेडिंग द्वारा शुरू करते हैं, फिर नए पैटर्न को कट कर लेते हैं। इस पैटर्न का उपयोग अगले साइज को बनाने के लिए किया जाता है, जो कि एक साइज ऊपर या एक साइज नीचे हो सकता है, और यह प्रक्रिया जारी रखी जाती है। जिसका सिंपल अर्थ यह है कि जो हमारा बेसिक पैटर्न है स्टैंडर्ड साइज का, उससे ऊपर या नीचे साइज का हम पैटर्न डेवलप करते हैं, जिसमें कि सपोज हमारा जैसे 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस है साइज में, तो 4 सेंटीमीटर नीचे की ओर मार्क करेंगे, या उस समय 4 सेंटीमीटर ऊपर बनाना है तो 4 सेंटीमीटर ऊपर मार्क करेंगे, और जो बेसिक पैटर्न में डिज़ाइन से वो सेम रहेंगी, और उसको मार्किंग के बाद वो कट कर लेंगे, फिर उसको बेसिक पैटर्न मान के उससे भी हम अलग अलग साइज के पैटर्न को डेवलप कर सकते हैं। अब हम आते हैं वेक्टर वर्गीकरण में। इसको हम कभी कभी मास्टर ग्रेड विधि भी कहते हैं, और यह एक व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले नेस्ट ग्रेड विधि का रूपांतरण है। पैटर्न में कॉर्डिनल, आंतरिक और बाहरी बिंदु वेक्टर रेखा द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। जिन बिंदुओं में वेक्टर जुड़ते हैं उसके बीच की दूरी को माप लिया जाता है, और फिर सबसे बड़े और सबसे छोटे साइज के बीच के साइज के अंतराल में विभाजित कर लिया जाता है। इन विभाजित वेक्टर को चिन्हित किया जाता है और अलग अलग कागज पर उतार लिया जाता है। इस विधि में हम क्या करते हैं, जो हमारा बेसिक पैटर्न है उससे जो हमें बड़ा साइज बनाना है या उससे जो छोटा साइज बनाना है, उसमें हम पॉइंट मार्क करते हैं और उनको मिला लेते हैं, और उन दोनों की जो सबसे बड़ा और सबसे छोटे जो हमने पॉइंट मार्क करा है उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हमें कितने पैटर्न में डिवाइड करना है उसमें हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, और उसके बाद पूरे जो बेसिक पैटर्न है उसकी तरह उसमें मार्किंग करते हैं और उनको कट कर लेते हैं। जैसा कि हमें इस पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारा नीला लाइन वाला है वो हमारा बेसिक पैटर्न है, उससे
छोटे और बड़े साइज के हमने मार्क कर लिए हैं। मार्किंग करने के बाद उनको हमने लाइनिंग से पूरा उसको मैच कर लिया, जिसको हम ट्रूइंग कहते हैं, और ट्रूइंग करने के बाद उसको हम फिर पूरा तैयार करने के बाद उनको कट कर लेंगे। अब अगले अध्याय में हम डिफरेंट साइजिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो अलग अलग कंट्रीज के द्वारा प्रयोग किया जाता है और पैटर्न डेवलप किए जाते हैं। धन्यवाद।